बोलो सीता राम राम। कहां से आए सूर्यापुर? हमसे आप कभी मिले तो नहीं हो, अपनी समस्या बताए। चलो पूछो प्रश्न। व्यापार व्यापार दिक्कत करता सही रह सकता, मुकदमा से गुरु जी परेशान था, घर में स्वास्थ्य रह के सब परेशान थे। बहुत परेशान रहते हैं घर का प्रश्न लेकर के आए। 2014 से परेशानी की जैसे चल रहा है, शरीर कष्ट जैसे आप प्रश्न लेकर के, शरीर कष्ट जैसे आप प्रश्न लेकर के आए। हनुमान जी की कृपा होगी, उनके बीच बीच में रुक जैसे जाती है, आशीर्वाद आप लेने आए हो, जाओ कृपा होगी आशीर्वाद। पढ़ो यही लिखा 2014 से आप ज्यादा परेशानी स्टार्ट हुई है। 2014 से परेशानी होना स्टार्ट हुई है, तीसरे महीने से परेशानी होना स्टार्ट हुई है। 2014 में 5 तारीख से परेशानी होना स्टार्ट हुई। पढ़ लो बच्चा हमारा, पढ़ लो बोलो सितारा। केस में सफलता मिलेगी 2025 में, योग है उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी, आपके पक्ष में ही आएगा, ना चाह करके भी जब आना पड़ेगा, क्योंकि अर्जी स्वीकार हो गई। बोलो सीताराम, बोलो हनुमान जी महाराज, बोलो सीताराम, बोलो सिद्धेश्वर धाम की। हनुमान जी विकट समस्या की हमको अर्जी दी जाए, इस पर आप आ जाइए। आप बोलो सीताराम, सीताराम बोलो, सीताराम चंद्र भगवान की। श्रीनगर से सूर्या बोलो सीताराम। चलो प्रश्न पूछो। आप बच्चा देखो हमारा पत्र सबको दिख रहा, बहुत परेशान रहते हैं, घर का प्रश्न आप लेकर के आए हैं, संतान का प्रश्न लेकर के आए हैं, पेट में गर्भाशय अथवा अंडा नहीं बन रहा है, पेट में गर्भ संतान का प्रश्न लेकर के आई है, गर्भाशय अथवा अंडा नहीं बन रहा है, मूठ मरवाई गई है, इसके कारण संतान का योग आपको मतलब बहुत इलाज कराने के बाद भी नहीं है, हनुमान जी की कृपा होगी, धाम से भक्ति चलेगी, क्योंकि गर्भ आश्रय में भी दिक्कत है और आपका ट्यूब जो है पेट का ब्लॉक है, गर्भ आश्रय थोड़ी छोटा है, उसके कारण नहीं बन रहा है, धाम से कृपा होगी, समय लगेगा, जाओ आशीर्वाद। बोलो सीताराम, इसके बाद हम दरबार लगने के बाद इसका हम आपको नियम बता देंगे, नियम आपको करना पड़ेगा, हनुमान जी की कृपा होगी, जब आपकी तीन पेशी धाम से होगी उसके बाद हम आपको हनुमान जी की प्रेरणा लेकर के डेट बता देंगे कि कब तक में योग है। क्यों? जहाँ ये दरबार लगा है प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिख रहा है कि जिन जिन मतलब डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने दरबार लगाया है, मतलब जिन्होंने लगवाया है दरबार, उनका पर्चा नहीं बना है, केवल उनको धाम में आने मात्र में कृपा हुई है, तो हम तो सीधा कहते हैं सिद्धेश्वर धाम में बड़ी कृपा है, बड़ी सिद्धेश्वर धाम में, यानी आपका पर्चा बने ना बने केवल आप आ जाओगे तो आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, वहाँ की बड़ी महिमा है वहाँ। आज के दिव्य दरबार का जो मुख्य उद्देश्य रहा है आपका क्या कहेंगे? हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सनातन को मानो, अपने धर्म को मानो, अपने अपने धर्म को हर व्यक्ति माने, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है, सनातन के सबसे बड़े राजा हैं हनुमान जी, क्योंकि कलयुग के राजा हैं हनुमान जी, जब कलयुग के राजा हैं तो सनातन के शक्तियों के भी राजा हैं हनुमान जी। हम तो सबको एक ही संदेश देंगे, जितने जहाँ जहाँ ये वीडियो पहुँचेगा हम कहेंगे कि आप सनातन को मानो, सनातन यानी अपने इष्ट को मानो, अपने धर्म के देवी देवताओं को मानो, जिस दिन से आप मानना स्टार्ट कर दोगे उस दिन से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी स्वयं राम जी को मानते थे, किसी को नहीं मानते थे, जब राम जी को मानते थे तो सारे भगवान आ जाते थे। उम्र में इतनी बड़ी कृपा आपको मिली हुई है और आज हर जगह सनातन धर्म के पताका को फहराने का कार्य कर रहे हैं, आज युवा पीढ़ी को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं नशे के लत में है और अपने जीवनचर्या को पदभ्रमित कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए राम पाने के लिए धन नहीं चाहिए,
राम जी को पाने के लिए उम्र नहीं चाहिए, क्योंकि राम जी स्वयं कहते हैं कोई उल्टा जपे या सीधा जपे हमारी कृपा होना है, कोई छोटा जपे अथवा बड़ा जपे हमारी कृपा होना ही है। और जो गलत खान पियन करते हैं उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। भगवान के पास तो अच्छा कर्म का भी फल है, बुरा कर्म का भी फल है, जैसा कर्म वैसा फल। गुरु जी कुछ दिव्य दरबार के बारे में बताइए और जो सिद्धेश्वर धाम के बारे में बताइए, किस तरह आप ये करते हैं, कैसे लोगों पर कृपा होती है? ये सब सिद्धेश्वर धाम हनुमान जी सन्यासी बाबा की कृपा है। सिद्धेश्वर धाम में स्वयं हनुमान जी और संतों की कृपा है, क्योंकि हनुमान जी के चरणों की तपस्या हमने की है इसीलिए उनकी कृपा है। सिद्धेश्वर धाम में के तो सिद्धेश्वर धाम में केवल जाने मात्र में कृपा हो जाती है। आरती की जय हनुमान लला की, दोष दरन रघुनाथ कला की, जाके भले से गिरिवर काटे, रोग से जाके निकट अंजन गोत्र महाबलदारी, चंदन के प्रभु सदा सहाय, हे मेरा रघुनाथ पठाए, लंकाधारी सिया सुदिलाए, लंकस कोट समोज सिखाए, जात पवन सुत वारणा।